कई कई बार ऐसी खबरें सुनने को आती है कि सामाजिक उपेक्षा की वजह से किसी एक जाति ने धर्म बदल लिया और बौद्ध या फिर ईसाई या फिर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। किसी दलित या फिर एससी एसटी से जुड़े लोग परेशान होकर ऐसा ज्यादा किया करते हैं, लेकिन ऐसे धर्म बदल कर इस्लाम या ईसाई धर्म कबूल करने के बाद उस व्यक्ति के अधिकारों का क्या होता है, क्या उसे आरक्षण मिलता रहेगा? ऐसे ही कई सवालों के जवाब हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। जब कोई व्यक्ति धर्म बदल लेता है तो क्या ऐसा करने के बाद भी एससी और एसटी के लोग सरकार के दिए आरक्षण के लाभ को उठा सकते हैं? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। दरअसल होता ये है कि बस हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट वाले लोग होते हैं वही आरक्षण और दूसरी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। संविधान में बेसिकली हिंदू धर्म के एससी वालों के लिए व्यवस्था थी, पर फिर बाद में जब वक्त बीता तो 1956 में इसको सिख और साल 1990 में इसे बौद्ध के लिए भी जोड़ा गया, पर इस्लाम या ईसाई में कन्वर्ट होने वाले लोगों के लिए आरक्षण या फिर दूसरी और कोई भी सुविधा का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा हो कि शख्स फिर से हिंदू हो जाए कन्वर्ट होकर तो वो फिर से संविधान जो उससे उसके आरक्षण से जुड़ी सुविधाएं हैं उनका वो लाभ ले सकता है। बहुत करने वाली बात यहाँ पे आती है वो ये कि अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। क्या है ये सिचुएशन? एसटी वाले लोग चाहे जिस भी धर्म को कबूल करें, चाहे वो बौद्ध बने या इस्लाम धर्म को कबूल करें या जिस भी धर्म में वो कन्वर्ट हो जाएं, उनको हर तरह का फायदा मिलता रहेगा। धर्म बदलने के बाद ईसाई या इस्लाम धर्म कबूलने वाले दलित यानी कि जो दलित मुसलमान बन गए हैं उनके लिए सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों, इसके अलावा सरकारी योजनाओं में आरक्षण का फायदे का मुद्दा जो है वो लंबे वक्त से एक विवाद की बड़ी वजह रही है। इस मुद्दे पर पॉलिटिकल पार्टीज के जो राय है वो अलग अलग दिखते हैं। कुछ पार्टीज तो इस मुद्दे को वोट की राजनीति से जोड़ती रही है तो कुछ पार्टीज तर्क देती है कि अनुसूचित जातियों के लाभ धर्म बदलने वाले दलितों को देने से जो देश में धर्म बदलने की जो सोच है उसको बढ़ावा मिलेगा या फिर धर्म बदलने को बढ़ावा मिल जाएगा, कन्वर्ट होने लगेंगे लोग जगह जगह। समय समय पर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। साल 2010 था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी देश में, तो उस वक्त दलित ईसाइयों के लिए अनुसूचित जातियों को मिलने वाले फायदे से जुड़े मामले में ऑल इंडिया क्रिश्चियन फेडरेशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल पेश हुए, जो कि मौजूदा वक्त में अटॉर्नी जनरल है। उनका क्या तर्क था? उनका दरअसल तर्क ये था कि शोषण और अस्पृश्यता के दंश से बचाव करने के लिए धर्म बदलने पर ईसाई बनने वाले दलितों को भी आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। हालांकि आज तक इस मुद्दे पर बहस जारी है, यानी कि आज भी ये मुद्दा बहस का जरिया है और सोल्यूशन कुछ भी नहीं निकला है। वैसे दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों की लिस्ट में जोड़ने के प्रश्न पर कोर्ट में लंबित केस बार बार चर्चाओं में आते रहते हैं, लेकिन वही आकर बात रुक जाती है कि सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है, बहस का मुद्दा ये बना हुआ है। हालांकि आगे आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।